जिस तरीके से आप शांति बनाते हुए जिगड़ी वजनों का स्वागत लेते आ रहे हैं, बाबा साहब उसी तरीके से लेते रहे। सभी कलाकार भारी भारी से आप लोगों के समक्ष बड़ी ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन भैया प्रमोद जी, कवि ने कलम को उठाया, बड़े सुंदर भावों के साथ में लिखा। स्कूल के हेडमास्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं सभी ग्रामवासी और भक्तगणों की तरफ से। स्कूल के हेडमास्टर साहब का स्वागत किया जा रहा है साफा बांध करके। आज प्रिया सबका स्वागत सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो सभी जो यहाँ पर अतिथि आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, सबका मान सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो एक बार ताली लगा करके सबका सम्मान कर दीजिए। आपके गांव में अतिथि आए हैं, ताली तो बजा दो। जिगड़ी तो आप सुन ही रहे हो। Oh.
मुझे आपसे केवल एक घंटे की मोहलत चाहिए। रानी गंगा ने राजा शांतनु से बाबा साहब एक घंटे की मोहलत और एक घंटे की मोहलत लेकर के बाबा साहब रानी गंगा अपने उस चिकन के टुकड़े अपने आठ पुत्र को लेकर के और बाबा साहब देवलोक में पहुंच जाती है जहां पर की सभी देवों की सभा लगी। आज सभी देवों के बीच में जाकर के रानी गंगा ने अपने उस आठ पुत्र को बीच में लिटा दिया और बीच में लिटा करके सभी देवों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है प्रभु
की तरफ से पार्टियों के लिए 100 रुपए हैं तीनों हमारे लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। आज हमें राधे गंगा के हे महाराज ध्यान से सुनना। मेरे जो आठवें पुत्र ने बाबा साहब गलती क्या की, गलती सुनिएगा। कहने लगी कि वशिष्ठ मुनि की काम है, बाबा साहब मेरी तरफ ने ध्यान दे लो, मैं भी कछु लग रही है तुम्हारे सामने लो साहब करने। हाँ मैदान जन की तरफ ध्यान होते फिर आ जाएगी तो आई दे। हाँ बताया कि वशिष्ठ मुनि की काम है, वशिष्ठ मुनि की काम है वो ये आंखों पे चुराने को। अरे मुनि परल काम है आंखों भजती है जान, सो आंखों वसु यही मेरो बेटा महाराज, आंखों वसु यही मेरा बेटा जो खूंटा चोर कहाया, क्योंकि एक गाय खोल तो ये पाप मेरे बेटे ने किया है। तो वशिष्ठ मुनि उन आठों देवों को बाबा साहब श्राप देने लगे। वो क्या श्राप देने लगे सुनिएगा। नर को जन्म परे को ले लो
पड़ेगा। लेकिन महाराज हमसे जो गलती हुई आप हमें माफ कर दीजिए। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि मुख से जो बोली निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आती, इसलिए आपका जो ये श्राप है वो मैं वापस तो नहीं ले सकता। लेकिन सुनिए भैया जी, वशिष्ठ मुनि कहने लगे जा
हो। तुझे दिखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मुकाबला तो खुद ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। इसलिए आज सभी देव समझा रहे बेटी गंगा सुन, लेकिन तुझे यकीन नहीं हो तो इस बात के लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन सुन, ये बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ये कैसा बनेगा, इसका नाम क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सभी देव कहने लगे, क्या बनाएगा? क्या
नहीं रानी, सुन मेरी बात। क्या जी।
नगर के सभी विद्वान है, पढ़े लिखे, पहले किताबों में भी ठुमरी आया करती थी, किताबों में आपने पढ़ी होगी ठुमरी आया करती थी पहले, वही ठुमरी में आप लोगों को सुना रही हूँ। भैया जी क्या किला ढले किसी